कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं अपना खुद का बिस्किट का या कुकीज़ का बिजनेस इंडिया में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है, आप पॉज करके वो देख सकते हो। आइए जानते हैं कि कैसे शुरू करें बिस्किट और कुकीज़ का बिजनेस। तो दोस्तों, बिस्किट मेकिंग बिजनेस और कुकीज़ मेकिंग बिजनेस बहुत बड़ी चीज़ है आजकल, और कैसे शुरू किया जाए आज हमारा वीडियो सिर्फ उस पर ही होने वाला है। और किन लोगों के लिए होने वाला है ये पूरा वीडियो? ये वीडियो होने वाला है बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बिस्किट होलसेलर्स के लिए, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग जो करना चाहते हैं शुरुआत में उनके लिए, पीपल जो शुरू करना चाहते हैं नया वेंचर बिजनेस कुकीज़ का, या आइडिया है उनके पास बिजनेस मेकिंग का और बिजनेस के बिस्किट के थ्रू, तो उनके लिए बिस्किट मेकिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं, बिस्किट मेकिंग मशीनरी डीलर या सेलर हैं, पीपल जो वर्क करना चाहते हैं बिजनेस ऑफ बिस्किट मेकिंग कंपनीज को शुरू करने में, या बिस्किट पैकेजिंग कंपनी आपके पास है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, इसमें केस स्टडी भी छुपी हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लोग अपने बिजनेस को आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ लेके आगे ला रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक चलने वाला बिजनेस जो है वो है कुकीज़ का बिज़नेस। कुकीज़ का बिज़नेस इसलिए है क्योंकि लोगों की भूख बहुत बड़ी है। लोगों इंडिया में जो FMCG सेक्टर है, फूड का सेक्टर है, वो बहुत बड़ा है, और जो बिस्किट्स हैं वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। तो दोस्तों, आइए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप बिस्किट के बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये डाटा सर्वेस के थ्रू लिया गया है और मार्केट में जो स्टैट्स हैं उसके थ्रू। इंडिया की जो बिज़नेस मार्केट है वो है 1.1 मिलियन टन्स पर एनम, मतलब 50 बिलियन के करीब। 90% इंडियंस बिजनेस बिस्किट्स को बाय करते हैं, ईट करते हैं। 90% इंडियंस, मतलब 10% को छोड़ दें तो बिस्किट इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट करती है वो 8,000 करोड़ देती है FMCG इंडस्ट्री को टोटल में, और प्रोवाइड करती है वास्ट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देखा जाए तो बेकरी इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो है 69 बिलियन की, आउट ऑफ विच ब्रेड और बिस्किट्स की जो अलोन ग्रोथ है वो है 82% शेयर। तो जो सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 400 बिलियन के करीब 2023 तक। तो आप सोच सकते हो बिजनेस बिस्किट्स का कितना बड़ा है और बिस्किट्स कितने बड़े हैं इस तादाद में। तो दोस्तों, बेसिक्स पे बात करते हैं। अगर आप कोई भी सज्जन आदमी अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहा है बिस्किट्स का, तो उसको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। हर बिज़नेस के कुछ बेसिक्स होते हैं, और इस बिज़नेस के जो बेसिक्स ये हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें अपने बिस्किट्स का, अपनी कुकीज़ का बिज़नेस का, और इसमें क्या क्या ले सकते हैं वो मैं बताऊंगा। रिसर्च ज़रूर करें, लाइट राइट प्लेटफॉर्म करें सेल करने के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यूज़ कर सकते हैं। टारगेट राइट कंज्यूमर सेगमेंट्स, अगर आप राइट कंज्यूमर सेगमेंट्स को चूज़ नहीं करोगे तो आपके बिस्किट नहीं बिकेंगे, और फिर आप बाद में ये बोलोगे कि ये बिज़नेस तो बेकार था। इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस में चाहिए वो आपके पास होनी ज़रूरी है, या आप लोन लेके करें, कैसे भी करें करना ज़रूरी है। राइट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, मशीनरी ही नहीं होगी, तो आप मैन्युफैक्चर क्या करोगे? राइट मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के बिना सब कुछ बेकार है दोस्तों। ऑप्टिमम और राइट स्टाफ लेने के ऊपर मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि सर, आप ऑप्टिमम और राइट स्टाफ का मतलब क्या कहते हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ ना रखें, आप सिर्फ उतना ही स्टाफ रखें जिससे आप काम ले सकते हो, जिसको आप सैलरी दे सकते हो, जिसको आप खुश रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करोगे तो आप बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ेगा। एक्सपेंशन प्लान हर बिज़नेस के होते हैं, और अगर आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ चाहते हैं तो एक्सपेंशन प्लान जल्दी से जल्दी बनाएं, हर महीने के टारगेट रखें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बिस्किट्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है, बट इस बिज़नेस को शुरुआत करने के पहले आपके पास कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए अगर आप बिस्किट या कुकीज़ के बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो पहला है, आप अपनी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या OPC कंपनी बनाएं। दूसरा होता है फूड लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस जिसे बोलते हैं वो लें, और फूड लाइसेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस, रिक्वायरमेंट पे बेस होता है वो। ट्रेडमार्क ज़रूर लें आप अपने ब्रांड का, अगर आपका ब्रांड यूनिक है तो। और GST नंबर लेना अनिवार्य है अगर आपका प्रॉफिट 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख से भी कम है तो। अगर आप वाइट बिजनेस बिल काटते हैं, मतलब एक तरीके से इनवॉइसेस काट रहे हैं, तो आपको GST नंबर तो लेना अनिवार्य है दोस्तों। MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें। अगर आप गवर्नमेंट के साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, शॉप इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर लें, और ISO लाइसेंस भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो बिज़नेस जो कुकीज़ का है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डेलिब्रेट है।
क्योंकि लोगों की पसंद है वो। बट अगर आप छोटे उद्योग के तौर पे शुरू करना चाहते हो तो आपको ये प्लान करना होगा बिजनेस कि आप किस तरीके से शुरू करने वाले हैं। एक बैंकेबल रेसिपी लें, क्योंकि बिस्किट्स में भी बहुत तरीके की रेसिपीज आती हैं, तो एक रेसिपी चूज़ करना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। ये बेसिक रॉ मटेरियल है जिसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पता होना ज़रूरी है। अगर आपको कॉस्ट ही नहीं पता होगी इंग्रेडिएंट्स की, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूटेंसिल और मशीनरी बेसिक रिसोर्सेज हैं जिसके बिना आपका बिजनेस चलना बिल्कुल ही कामना करने वाली चीज़ है कि भगवान है भगवान मेरा बिजनेस चला दो, मेरे पास यूटेंसिल और मशीनरी नहीं है। यूटेंसिल्स और मशीनरी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फॉलोइंग रेसिपी, अपनी रेसिपी को फॉलो करें और उसे यूज़ करें और उसे अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट तक ले जाके छोड़ें। फिर उसके बाद बात आती है लास्ट में स्टोरिंग और पैकिंग। अगर आपकी पैकिंग बहुत बेकार है तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट भी सड़ जाएगा, तो स्टोरिंग और पैकिंग का ध्यान ज़रूर रखें। होम बिजनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से बिज़नेस का हिसाब किताब है। आइए इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड देख लेते हैं। ये मैंने एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड चार्ट बनाया है आपके लिए। इक्विपमेंट नेसेसरी इन फैक्ट्रीज क्या क्या ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या क्या आ सकती है। बिस्किट मेकिंग मशीन 3 से 6 लाख के बीच में होती है, डिपेंड करती है, 1.5 लाख में भी आ जाती है। मल्टी रो बिस्किट पैकिंग मशीन जो होती है, जो बैक करने की मशीन होती है, वो आती है 2 लाख से 4 लाख। ये भी सस्ती पड़ सकती है, 50,000 से 1 लाख के बीच में, अगर आप लोकल लेते हो और लोकल भी ब्रांड सही चल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस तो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं क्योंकि डीजल कॉस्ट बढ़ती है, तो 10,000 से 15,000 के करीब ट्रांसपोर्टेशन आपकी आनी ही आनी है। पावर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी मशीनरी में पावर लगेगी, वो 18,000 से 25,000 आएंगे। एडवर्टीजमेंट एजेंट एक्सपेंसेस ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप बेचना चाह रहे हो तो आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं। ऑनलाइन के लिए अगर 40,000 का बजट है तो आपकी बहुत अच्छी सेल्स निकल सकती है। लेबर कॉस्ट अगर 10 लोगों का आप यूज़ करते हो तो 1 लाख के करीब आ गई। सब कुछ मिला मिलू का अगर देखा जाए तो 6,70,000 से बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, जिसको मैं अगर कम भी करूं तो 4 लाख में मेरा बिज़नेस शुरू हो सकता है मोटा मोटा। ये वाला हाउ टू डू मार्केटिंग इन बिस्किट बिजनेस इन इंडिया। अगर आप बिस्किट के बिजनेस में हैं और मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग क्या क्या यूज़ करनी चाहिए। एक तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर बना लें और एक एरिया को डिफाइन कर लें जिसमें आप शुरुआत में काम करने वाले हैं, और उस एरिया का जो लोकस होना चाहिए वो मेनली होना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया या स्कूल एरिया। ट्रेडिशनल ऑडियो विजुअल मीडिया टेक्नोलॉजी भी आप यूज़ कर सकते हो। टेम्प्ररी स्टोर्स जितने भी हैं मॉल्स में, उनके पास अपने प्रोडक्ट रखवा सकते हो। ज्वाइन कर सकते हो हैंड्स रिटेलर्स के साथ। रिटेलर्स के साथ जुड़ने का बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मासली प्रोवाइड हो सकता है छोटी से छोटी दुकान पे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके प्रोडक्ट को अवेयरनेस क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और सेल्स भी बढ़ेगी। स्पेशल ऑफ़र ज़रूर दें, एक के साथ एक बिस्किट का पैकेट या एक के साथ एक छोटा बिस्किट का पैकेट, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट में बात करें ऑनर्स के साथ और अपने प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च करें, और जो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो उनको वहीं लॉन्च करें। स्कूल्स और ऑफिसेस को यूज़ करें, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हेल्दी है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। बिस्किट्स मेनली फाइबर रिसोर्स है, तो आप उसे एज ए डाइटिशियन प्लान भी बना सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर हाउ टू डू मार्केटिंग में अगर आगे जाते हो तो लेवरेज कर सकते हो अफिलिएट पार्टनरशिप्स। अगर आप देखा जाए कि आप बर्डन से बचना चाहते हो सेलिंग के, तो म्यूचुअल प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग में आप अफिलिएट मार्केटिंग चला सकते हो, मतलब मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो तो मैं आपको इतना परसेंट मुनाफा आपको भी दूंगा। मार्केट कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट्स के साथ, और डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजीज डिपेंड करती है प्राइवेट डिस्काउंट कूपन्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट्स में भी। बिस्किट्स बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मार्केटिंग में देखा जाए तो बिल्ड ए डाटाबेस एंड अपसेल, ये मेन मंत्र है। एक रिकॉर्ड बनाए अपने कस्टमर्स का, अपने एरिया का, और बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उनको परचेज करने के लिए रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स को देते रहें और वेरी हाई क्वालिटी दें उन्हें, ताकि वो ऑर्डर देते रहें। आउटसोर्स कर दें अपने स्मॉल बिजनेस को ओनर को, और एक तरीके से उसको बिजी ना रखें, अपनी ओनरशिप को एक तरीके से ईजी रखें, ताकि बिजनेस ऑफ बिस्किट ईजी हो जाए। रेवेन्यू मॉडल जो हो सकते हैं बिस्किट बिजनेस में, वो हो सकते हैं होलसेल। अगर आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का बिजनेस ऑफ बिस्किट्स का या कुकीज़ का, तो आप अगर होलसेल कर सकते हैं तो आपको रेवेन्यू आएगा। रिटेल सेल करोगे तो भी आएगा, ऑनलाइन सेलिंग करोगे तो भी आएगा, एडवर्टीजमेंट करोगे बिस्किट्स पैकेट्स पे तो आपकी कॉस्ट बचेगी, तो वो भी एक तरीके का रेवेन्यू मॉडल है। डीलरशिप ऑफ बिस्किट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप सेल आउट कर सकते हो, तो आप बहुत जल्दी इंडिया में पेनिट्रेट कर सकते हो, जिससे आपको रेवेन्यू आएगा।
टाई अप कर सकते हो आप ब्रांड्स के साथ, ऑफर दे सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पे, बिस्किट्स ऑफर कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे सकते हो, मतलब बिस्किट्स में बहुत बड़ी चीज़ है। एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी बूटस्ट्रैप स्टार्टअप था जिसने वेंडिंग मशीन्स के थ्रू स्टैक्ड हेल्दी स्नैक ऑप्शन शुरू किए थे, और वो भी कॉर्पोरेट्स में। स्नैकिट नाम था इसका, और क्लॉक अप करता है 4000 ट्रांजेक्शन डेली कर लेता है। रेगुलर स्नैक्स बेचता है, हेल्दियर ओट कुकीज, जलपेनो पीनट्स कुकीज, फ्रूट मेडली कुकीज, ग्रेनोला बार्स, मतलब ये स्टार्ट हुआ था 2015 में आशीष निमोडिया के थ्रू, और स्नैकिट प्रॉमिस करता है 24/7 सर्विसेज, और ये रिप्लेनिशमेंट के तहत कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ स्नैक्स एंड बेवरेजेस डे नाइट में देती है। मंथली रेंटल जो मशीनरी का होता है वो 12,000 से 8,000 होता है, 18,000 तक होता है, और स्नैकिट चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में बहुत अच्छी तरीके से प्रगति पे है। आइए इनकी वेबसाइट को देखें और जानें कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेंडिंग मशीन्स के थ्रू ये अपने बिस्किट्स को डाल देते हैं, जिसके तहत इनके बिजनेस में तरक्की बहुत अच्छी हो रही है, और काफ़ी अच्छा है। ऑफिस स्पेसेस पे इंस्टॉलेशन करते हैं, मिनिमम सर्विसेज देते हैं, और बहुत अच्छी तरीके के एनवायरनमेंट में ये यूज़ कर रहे हैं। कभी भी आप प्रोडक्ट उठा सकते हो, कभी भी आप स्नैक्स उठा सकते हो, चॉकलेट बार्स उठा सकते हो, बिस्किट बार्स उठा सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके का हिसाब किताब है। और देखिए इतनी सारी मीडिया हाउसेस के मैं इनके बारे में बहुत बात करी हुई है, कर्नाटका और बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट देखे जाए तो इनके पास न्यूमरस हैं, मीडिया वगैरह सब कुछ है। दोस्तों अच्छी तरीके से बिजनेस कमाया इन्होंने, और काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस किया भी है। तो दोस्तों अगर आप अपने बिस्किट के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब उनको जाने के लिए अगर आप पहले ही रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो अपने बिजनेस को शुरू करें दोस्तों, और अपने बिजनेस में आगे प्रगति करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप बिस्किट के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं और आपके बीच में कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हो। 9909642300 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इस पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो बिजनेस बिस्किट बिजनेस को लेके। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और इस वीडियो को छोड़ने से पहले दोस्तों कृपया वो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन ज़रूर दबाएं, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि कैसे आप भी अपने बिस्किट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।